राम कृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं की बात कर रहे हैं, तकनीक के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल के बाद दुनिया कैसे बदली इसकी बात कर रहे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगी, कोरोना काल के बाद बिहार का चुनाव पहला चुनाव हो रहा है, बड़ा चुनाव, क्या कोई प्रभाव उसका भी रहेगा इस चुनाव पर या नहीं? निश्चित रूप से रहेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, देखिए आपके संवाददाता ने एक बात कही थी कि बहुत हद वहां पे जो विचार किया जा रहा है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी है, विकास है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी जैसे कई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सब सारी समस्याएं गिनाई हैं। देखिए सारी पार्टियां समस्याएं तो गिना रही हैं, सवाल इस बात का है कि समस्याओं के समाधान का मादा और भरोसा कौन व्यक्ति वोटर को ज्यादा दे पाएगा। नाराजगी के बावजूद चाहे नीतीश से लोग कितने नाराज हों, जब कसौटी पर यह बात आएगी कि क्या जो हमारी ये समस्याएं हैं इसको दूर करने का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर यह बात पटना से निकल करके दिल्ली तक पहुंचती है। अब सवाल यह है कि जो हमारे देश में 60% युवा हैं, और ये सही बात मोदी जी ने कहा कि कोरोना काल में जो तकनीकी क्रांति 8-10 साल लगता है जिसको बढ़ने में, वो इतनी तेजी से बढ़ी है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आज तकनीक के सहारे, मैं कहूं कि सारा कामकाज जो है जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक ने अपनी महत्ता जता दी है। तो और आज का जो युवा बेरोजगारी का सवाल है, देखिए वो बेरोजगारी का सवाल पटना से सॉल्व नहीं होगा, पटना उसमें भूमिका निभा सकता है। बेरोजगारी का सवाल दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, शंघाई जाता है, सिलिकॉन वैली तक जाता है। आज का युद्ध जो है उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि किस नेता पर, किस पार्टी पर बिहार का वोटर भरोसा रखता है कि उसकी झोली में समस्याओं के हल का एक बेहतर नुस्खा है। ये शाम को मुझे लगता है 6 बजे के बाद बहुत अहम बात की सर आपने, बहुत अहम बात की। दो बातें आपने कही कि आखिरकार लोग इस पर देखेंगे, भरोसा करेंगे कि कौन डिलीवर कर सकता है, कौन उपाय सुझा सकता है जो उनकी समस्याएं उसके लिए। और दूसरा मुद्दा, जो युवा हैं, बड़ी संख्या में जो युवा हैं, वो किस ओर जाएंगे, क्या वो भी किसी हद तक डिटर्मिन करेगा कि क्या चुनाव के नतीजे हो सकते हैं। तो एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ अंशुल जी से पूछूंगी और एक प्रेम शुक्ला जी से। अंशुल जी, पहले सवाल मेरा आपसे कि आखिरकार तो क्या अनुभव के पास जाएगी बिहार की जनता, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो सबके सामने हैं, वो सारी राजनीतिक दल उठा रहे हैं, लेकिन उपाय कौन दे सकता है, भरोसा किस पर किया जा सकता है, क्या वो पलड़ा भारी है दूसरी तरफ, आपकी तरफ नहीं है? देखिए ये बात सच है कि जो 3 साल जो ये सरकार थी ये मुख्यमंत्री जी की, तो भाई सेंटर में कौन था, ये तो बीजेपी थी। और ये हम भूल जाते हैं कि बिहार में भी जो मुख्यमंत्री थे वो सुशील कुमार मोदी थे, वो खुद ही वित्त मंत्री थे। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए, पटना बाढ़ के समय से लेके ये समस्या शुरू हुई और महामारी जब आई, जब ये बात आई कि ये जो श्रमिक वापस आए, उनकी पीड़ा, उनकी बेबसी, उनकी मायूसी की जब बात आई, तो ये उनकी अयोग्यता तो बिल्कुल उसका खुलासा हो गया। तो कौन डिलीवर कर पाता है वो तो साफ हो गई है कि महागठबंधन डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास, एक मिनट सुमेरा जी, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास तजुर्बा है। जब यूपीए की सरकार थी तो विकास दर किस आसमान छू रहे थे, ऐतिहासिक विकास दर थे, वो तो जानता, वो इतिहास गवाह है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।